अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, आगाज़ करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर का, जो कि चैप्टर नंबर 3 ऑफ ऑफिशियल रस्ट एम्बेडेड डिस्कवरी बुक का आखिरी लेक्चर है, यानी कि इसकी चैप्टर नंबर 3 का अख्ताम हो जाएगा। हम इस लेक्चर में उसका जो एंडिंग है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के लिए एक कंप्लीट लेक्चर किया था, चैप्टर नंबर 2 के लिए भी एक कंप्लीट लेक्चर था। चैप्टर नंबर 3 जो है वो सीरीज ऑफ लेक्चर पे मुश्तमिल था, और उसकी रीज़न ये थी कि बुक इसको डील करती है सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन ऑफ द एम्बेडेड रेस्ट के लिए, बट वो लोग जिनको इंस्टॉलेशन में इशूज आया इससे पहले, वो रेस्ट की प्रोग्रामिंग जो है विंडोज में करते आए हैं। तो हमने चूंकि तहिया किया था कि इस कोर्स में हम थ्रू आउट लिनक्स को लेकर चलेंगे, तो उनकी आसानी के लिए हमने सबसे पहले लिनक्स इंस्टॉल करना सीखा, बल्कि उससे भी पहले हमने ऐसे लोग जो कि अपने बेस ओएस को विंडोज ही रखना चाह रहे थे, उनके लिए हमने वर्चुअल मशीन क्रिएशन वाला पूरा एक सिनेरियो देखा कि हम अपने कंप्यूटर में कैसे वर्चुअल मशीन बना सकते हैं और देन फिर उस वर्चुअल मशीन पर लिनक्स की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। देन फिर हमने इन डिटेल लिनक्स की इंस्टॉलेशन देखी। उसके बाद हमने अगले लेक्चर में क्या किया कि हमने रस्ट को इंस्टॉल किया, और रस्ट के साथ उसका जो डेवलपमेंट के हवाले से एक टूल था, आईडीई थी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट था, विजुअल स्टूडियो कोड, उसको इंस्टॉल किया। और अब हम क्या करने चाह रहे हैं, अब हम रस्ट की एम्बेडेड डिस्कवरी बुक की चैप्टर नंबर 3 को कंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें हम एम्बेडेड टूल्स जो हैं, जो कि रिक्वायर्ड हैं एम्बेडेड प्रोग्रामिंग इन रस्ट के लिए, उनको इंस्टॉल करेंगे। ये जो बुक है ये अवेलेबल है tinyurl.com/rdisbook, RDISBOOK। इस यूआरएल पे जाएं तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ऑफिशियल लिंक के ऊपर, जहां पे आपकी ये रस्ट की एम्बेडेड डिस्कवरी की ऑफिशियल बुक अवेलेबल है, जो कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंडर शेयर्ड है और आप इसके कंटेंट्स को इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जनाब, आज का जो हमारा वर्क होगा वो होगा कि हम रस्ट के एम्बेडेड टूल्स इंस्टॉल करें, और इसके लिए फिर वही बात कि आप अगर तो रूट से लॉगिन हैं तो आप ये कमांड्स डायरेक्ट इशू कर देंगे, और अगर आप रूट से लॉगिन नहीं हैं तो आपको इन सब कमांड्स से पहले सूडो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं जनाब। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले apt-get अपडेट की कमांड चलाएंगे, और उसके बाद apt-get अपग्रेड की कमांड चलाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम के लिए अगर कोई अपडेट अवेलेबल है तो वो आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपकी डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगी और आपका जो सिस्टम है वो अप टू डेट हो जाएगा। उसके बाद हम सबसे पहले तीन टूल्स इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, इसमें दो तरह के फ्लेवर की बेसलाइन चल रही होती है लिनक्स में। कुछ लिनक्स के फ्लेवर जो है वो एपीटी यूज कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट के लिए, कुछ यम यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी जो लिनक्स है, जो भी फ्लेवर आप यूज कर रहे हैं, अगर वो एपीटी बेस्ड है तो आप एपीटी से रिलेटेड कमांड यूज करेंगे, और अगर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिनक्स है वो यम बेस्ड रिपोजिटरी मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करती है तो आप यम की कमांड यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों कमांडें मैंने यहाँ स्लाइड में मेंशन की हुई होती है, और साथ और या ओब्लिक लगा हुआ होता है कि इसका मतलब है आप इन दोनों में से कोई एक कमांड चलाएंगे, जैसे apt-get अपडेट चलाएंगे या यम अपडेट चलाएंगे। ठीक है, तो जनाब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने gdb जो कि डिबगर है, मिनीकॉम और ओपन ओसीडी, ये तीन चीजें आपने इंस्टॉल करनी है। तो इसके लिए आप कमांड इशू करेंगे apt-get इंस्टॉल gdb-multiarch स्पेस देके मिनीकॉम और फिर स्पेस देके ओपन ओसीडी, या अगर आप यम यूज कर रहे हैं तो यम इंस्टॉल gdb-multiarch मिनीकॉम एंड ओपन ओसीडी। ठीक है, ये कमांड आप इशू करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में तीन रिक्वायरमेंट ऑफ द रस्ट एम्बेडेड इंस्टॉल हो जाएंगी। नंबर 1 जीडीपी मल्टी आर्क, नंबर 2 मिनीकॉम, और नंबर 3 ओपन ओसीडी।
जैसा कि हमने कहा कि इस बुक के 12वें 13वें या 13वें 14वें चैप्टर में हम ब्लूटूथ रिलेटेड वर्क करेंगे, तो उसके लिए आप ब्लूटूथ के स्पेसिफिक जो ब्लूटूथ मैनेजर सॉफ्टवेयर हैं उनको आप इंस्टॉल कर लेंगे बाय यूजिंग द कमांड apt-get install blues bluez एंड उसके बाद स्पेस देके rfkill, या फिर अगर आप yum यूज कर रहे हैं तो yum install blues एंड rfkill, ठीक है। तो इससे आपकी ये ब्लूटूथ मैनेजर इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा, अभी हम शुरू में इसका रिव्यू करेंगे और देन फिर प्रैक्टिकल डेमो हम ये स्लाइड्स से एक बार गो थ्रू करने के बाद प्रैक्टिकली इनको इंस्टॉल करके भी देखेंगे कि हमारे सामने क्या आउटपुट्स आती हैं, ठीक है। तो आपने अभी मजीद फिलहाल घबराना नहीं है, या साथ ही आप इनको बेशक ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं इन कमांड्स को साथ साथ, या अगर आप थोड़ा सा वेट करें तो हम इनको बकायदा अभी लाइव इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना होगा कि हमें कुछ डिवाइसेस के रूल्स मुतय्यन करने होंगे कि जब ये डिवाइस कनेक्ट हो तो सिस्टम कैसे बिहेव करे, ठीक है। ये काम करने के लिए हम UDEV रूल्स की फाइल्स बनाएंगे, USB डिवाइसेस रूल्स की फाइल। तो आपने ख्याल करना है कि ये कमांड्स के लिए लाजमी है कि या तो आपने रूट से लॉगिन किया हुआ हो या फिर आप अपनी कमांड के शुरू में सूडो यूज कर रहे हो, ठीक है, अदरवाइज ये फाइल्स नहीं बन पाएंगी। तो ये बेसिकली डिवाइस के रूल्स की फाइल्स क्या करती हैं, ये इस काबिल बनाएंगी आपको कि आपकी ये जो डिवाइसेस हैं लाइक आपका जो F3 बोर्ड है या जो सीरियल मॉड्यूल है, ये विदाउट रूट प्रिविलेजेस के एक्टिवेट हो सके, चल सके। यानी कि आप नॉर्मल यूजर से लॉग इन करके भी अगर आप वो डिवाइस कनेक्ट करें तो इजिली अपना वर्क परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसके लिए हमें ये जो मंदरजा जैल फाइल्स बनानी पड़ेंगी और उनके अंदर मंदरजा जैल चीज़ें लिखना पड़ेंगी, वो हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो जनाब, हमने दो फाइल्स बनानी है। पहली फाइल है /etc की डायरेक्टरी में, UDEV की डायरेक्टरी में, rules.d की डायरेक्टरी में 99-ftdi.rules इस नाम की फाइल बनानी है, और उसके अंदर ये जो दो लाइनें इसके आगे लिखी हुई है ना, ये वाली, ये दो इसमें लिखी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर एक तो ये कि एक बनाएंगे फाइल जिसका नाम होगा etc की डायरेक्टरी के अंदर, UDEV के अंदर, रूल्स डी के अंदर 99-ftdi.rules, और उसके अंदर ये दो लाइंस आपकी जो है ना ये लिखी भी होनी चाहिए, ठीक है, जो भी लिखी हुई ये होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम दूसरी बनाएंगे फाइल etc के अंदर, UDEV के अंदर, rule.d के अंदर, यानी कि ये डायरेक्टरीज के या फोल्डर्स के नाम है, और इस rules.d के फोल्डर के अंदर 99-openocd.rules, ठीक है, दो फाइल्स बनेंगी। और ये जो openocd.rules वाली फाइल है इसके अंदर ये चार लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काम अभी हम परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ कमांड्स दे दी हैं, ठीक है। अगर आप ये कमांड चलाएं एज इट इज कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, ये इस पॉन्ड साइन के बाद से लेके जो भी कमांड हैं इनको अगर आप चलाएं, ठीक है, ये सारी कमांड, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद अपने लिनक्स में टर्मिनल पे पेस्ट करके एंटर दबा दें। इसी तरह फिर ये कमांड यहां से लेके यहां तक इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। इसी तरह फिर यहां से यहां तक ये वाली कमांड। तो ये जब आप 6 कमांड्स चलाएंगे ना, तो आपके पास सेम वही वाली फाइल्स बन चुकी होंगी जो कि रिक्वायर्ड है। तो आपकी आसानी के लिए ये एज इट इज मैंने आपको ये कमांड्स
बना के दे दी है ताकि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है लिनक्स से और वो यहाँ इस टाइप में कोई गलती कर जाएं तो उससे क्या होगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा और उनकी सारे डिवाइसेस फिर कनेक्ट होते हुए मसला करेंगी और एक इशू नया खड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसे लोग जो लिनक्स से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है वो इन कमांडों को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपने ख्याल रखना है कि आपने ये जो पाउंड साइन है इसको कॉपी नहीं करना, इसके बाद वाली चीज को कॉपी करना है सूडो एंड ऑनवर्ड, तो आपके ये फाइल्स बन जाएंगे और उनके अंदर रिक्वायर्ड टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। और जो लोग लिनक्स से अच्छी तरह वाकिफ हैं उनको इसकी चूंकि जरूरत नहीं है तो वो मतलब उनके लिए सिर्फ कह देना काफी है, बाकी वो समझ जाएंगे क्या करना है। तो उन्होंने बेसिकली ये दो फाइल्स बनानी है, एक ये 99fdi.rules की और दूसरी 99-openoct.rules की, और उसमें ये टेक्स्ट होना चाहिए ये पाउंड साइन के बगैर, सॉरी पाउंड साइन के साथ, ठीक है, उस फाइल में पाउंड साइन के साथ होना चाहिए, वो कमेंट्स के लिए, बहरहाल जो लोग लिनक्स से जानते हैं वो समझ जाएंगे। तो वो एज इट इज उसी तरह से टेक्स्ट उसके अंदर आ रहा होना चाहिए। अच्छा, ये फाइल्स बनाने के बाद आपने ये कमांड चलानी है sudo qdevadm control -- -reload-rules। तो इससे क्या होगा कि वो ये जो रूल जो भी हमने बनाए हैं ये आपके सिस्टम पे इंप्लीमेंट भी हो जाएंगे, इनफेक्टिव भी हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस सिस्टम को रिस्टार्ट कर लें, तो रिस्टार्ट करने के बाद जितने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने चेंजेस किए हैं वो सारी भी इन्फेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो आसान और बेहतर तरीका है वो तो ये है कि आप ये वाली कमांड यूज करें sudo qdevadm control -- -reload-rules। लेकिन अगर आपको कोई इशू फेस आ रहा हो तो आप एक बार इस सिस्टम को अपने रिस्टार्ट कर सकते हैं। और ये काम करने के बाद आपने अगर तो अपना STM32 बोर्ड कनेक्ट किया हुआ है अपने कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ, डिवाइस के साथ, तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद जो आपकी USB केबल है उसको अपने ST-Link USB वाले पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करना है, और ये पॉइंट सेंटर ऑफ द बोर्ड के ऊपर है, यहाँ पे ये आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने बेसिकली इस वाले ये जो बोर्ड कह लें या जो भी है, सॉरी इस वाले कनेक्टर के साथ, ये इसके साथ आपने अपने कंप्यूटर की वो जो USB केबल है उसको टच करना है, जोड़ना है, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देखिए तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये USB ST-Link, ठीक है, इस जगह पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, सॉरी, चले ये भी आपके सामने नजर आ रहा होगा। तो ये बेसिकली USB ST-Link, तो ये निशान भी डाला हुआ है हमने कनेक्ट हियर, तो आपने इस वाले पॉइंट के ऊपर अपने USB केबल को इससे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपकी ये जो F3 बोर्ड है ये एज ए USB डिवाइस अपीयर हो जाना चाहिए dev/bus/USB के फोल्डर के अंदर। अब आपने इसको चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, आप कमांड रन करेंगे ls usb स्पेस देके पाइप साइन फिर स्पेस देके grep -i stm, तो आपके सामने इस तरह की कोई आउटपुट आएगी, ठीक है, जिसमें जो रेड कलर के नंबर्स लिखे हैं ये चेंज हो सकते हैं, बिकॉज मैं जब तजर्बा करूंगा या इसको कनेक्ट करूंगा तो मेरी बस नंबर कुछ और होगा और डिवाइस नंबर कुछ और होगा, डिपेंड करेगा कि मेरे कंप्यूटर में इसके ऑलरेडी कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हुई हुई हैं। आपके कंप्यूटर पे डिफरेंट आ सकते हैं बट इससे मिलती जुलती आउटपुट आएगी जिसमें आपके रेड वाले पॉइंट्स जो हैं ये थोड़े से चेंज हो सकते हैं नंबर, ठीक है। तो अभी ये जो कमांड यहाँ सामने एग्जाम्पल के तौर पर शो हो रही है ये बता रही है कि ये जो F3 बोर्ड है ये कंप्यूटर की बस नंबर 3 पे कनेक्ट हुआ है और उस बस के ऊपर इससे पहले 3 डिवाइसेस भी कोई लगी हुई थी, पेरिफेरल डिवाइसेस कोई भी हो सकती है इंटरनल या एक्सटर्नल। तो ये जो
F3 बोर्ड है, इसको डिवाइस आईडी 4 मिली है, ठीक है। तो जब हम LS USB की कमांड देते हैं तो ये क्या करती है कि हमारे पास जितने भी यूएसबी डिवाइसेस हमारे सिस्टम में कनेक्टेड होती है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उनकी लिस्ट शो कर देती है। और ग्रेप की कमांड क्या करती है कि उस लिस्ट में से हमारा जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट होता है ना, सिर्फ वो ही लाइन शो करवाती है कि जिसमें वो टेक्स्ट आ रहा हो। तो अगर मैं सिंपल LS USB की कमांड लिख के एंटर कर दूं तो वो मुझे सारी डिवाइसेस दिखा देगी, वो 4, 5, 6, 8, 3, 2 डिवाइसेस की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसके आगे मैं पाइप साइन लगा के grep -i और STM दे दूं, अब वो सिर्फ ऐसी लाइन मेरे सामने लेकर आएगी जिसके अंदर STM लिखा हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे ये STM लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे सामने STM वाली लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। अगर इसकी आउटपुट कुछ नहीं आती, मानी कि जो आपकी कमांड है LS USB और फिर पाइप साइन grep -i STM, अगर इसके जवाब में आपको ब्लैंक मिलती है, रिप्लाई कुछ नहीं आता, तो आप सिंपल LS USB की कमांड एंटर करें तो आपके सामने 3-4 डिवाइसेस डिस्प्ले हो जाएंगी। उसमें अगर ये ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लाइन नहीं आती तो उसका मतलब है कि आपका बोर्ड सही कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, ये क्या इशू है। और अगर ये आपके सामने आउटपुट आ जाती है इस तरह की, बस नंबर और आगे कोई नंबर लिखा होगा 003, 002, 004, इस तरह डिवाइस के आगे भी कोई नंबर लिखा होगा और आगे ID उसकी दी हुई होगी आपके बोर्ड की, और उसके बाद ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ST Link V 2.1 या 2.0 जो भी आपके बोर्ड का वर्जन है वो लिखा हुआ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आपका बोर्ड सही और सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अच्छा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैसे। आप ये कमांड दें LS -L, उसके बाद स्पेस देके /dev/bus/usb/, आगे यहाँ पे 003 और 004 है ना, यहाँ पे 003 में जो आपके पास आपका बस नंबर लिखा हुआ रहा होगा आपने वो देना है, और 004 में जो आपका डिवाइस नंबर लिखा हुआ रहा था ना वो देना है। यहाँ से कॉपी करके ये देखिए, ये जो रेड कलर हुआ है ना, मेरे पास 003 बस नंबर आ रहा था और डिवाइस 004 आ रही थी, तो मैंने अपने LS -L की कमांड में वही 003 और फिर 004 दी। अगर आपका डिफरेंट है तो जो आपके पास आ रहा होगा आपने यहाँ पे वो देना है, ठीक है। जब आप ये कमांड इशू करेंगे तो आपके सामने इस तरह की आउटपुट आएगी CRW -RW -RW -1, आगे root और so on। तो इसके अंदर आपने परमिशन वाले पोर्शन पे ध्यान देना, यहाँ पे CRW -RW -RW- ये परमिशन होनी चाहिए। अगर इसके अलावा है तो उसका मतलब है कि आपकी डिवाइस सही तरह करेक्ट नहीं है, सही तरह कन्फिगर नहीं है। तो आप क्या करें कि अपने वो जो UDEV के रूल्स हैं उनको रीलोड करके देखें, कमांड चला के जो लिखी हुई है sudo UDEV ADM --reload -rules। अगर फिर भी ये आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट यहाँ पर नहीं आती, उसके बाद यानी कि ये कमांड देने के बाद आपने बोर्ड को एक बार डिस्कनेक्ट करना है और फिर दोबारा कनेक्ट करना है, अगर फिर भी आपके पास रिक्वायर्ड परमिशन नहीं आती तो आप जाकर अपनी वो जो आपने दो फाइल्स बनाई थी ना पीछे UDEV रूल्स वाली, उनको वेरीफाई करें कि उसमें आपने कोई गलती की हुई होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, आपने चेक कर लिया, अभी इस मुकाम पे आपने चेक कर लिया अपने STM32 को, अब आप STM32 को अनप्लग कर दें USB डिवाइस से और सीरियल मॉड्यूल को लगा के देखें कि वो भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आप क्या करें कि सीरियल मॉड्यूल को कनेक्ट कर दें अब अपने F3 बोर्ड के साथ, अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आपका नया वाला बोर्ड है तो आपको फिर उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद यही कमांड दोबारा इशू करें LS USB और फिर ग्रैप करें FT232। तो अभी आपको कोई अपनी बस नंबर और डिवाइस नंबर और आगे IP में कुछ चीजें दिखा देगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो हमारा जो हमारी वाली एग्जांपल है इसके अंदर ये बस नंबर 3 के अंदर डिवाइस नंबर 5 के ऊपर कनेक्ट है, सही है। तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में, आपकी डिवाइस में यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के नंबर लिखे हुए हैं ये डिफरेंट आ रहे हो, तो आपने वो अपने पास नोट कर लेने कि आपके एंड के ऊपर वहाँ पे बस नंबर और डिवाइस नंबर क्या है, और अगली कमांड में आपने वही बस नंबर और डिवाइस नंबर देना है। यहाँ पे जो स्लाइड में लिखा हुआ है इसको नहीं देना, बिकॉज ये एग्जांपल टू एग्जांपल चेंज होते रहेंगे, आपने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक यहाँ पे वो नंबर डालने हैं। तो हमारे वाले केस में ये बस नंबर 3 और डिवाइस नंबर 5 पे जाकर ये कनेक्ट हुआ है सीरियल मॉड्यूल। तो अब हम उसकी परमिशन कन्फर्म करेंगे बाय एंटरिंग द कमांड LS -L /dev/bus/usb/
003 यहाँ पे जो आपके पास बस नंबर आ रहा होगा आपने वो देना है, और स्लैश 005 यहाँ 005 की जगह जो आपके पास डिवाइस नंबर आ रहा होगा वो आपने देना है, ठीक है। और वहाँ वेरीफाई करना है कि आपकी जो परमिशन है आउटपुट में जो आ रही है वो CRW-RW-RW-, अगर नहीं है तो आप दोबारा से रिकन्फर्म करें अपने UDEV रूल्स की फाइल को। अच्छा, अगर ये दोनों सही कनेक्ट हो गए हैं तो अब आप क्या करें कि अपना वो जो मॉड्यूल है उसको उतार दें, वो जो सीरियल टू यूएसपी मॉड्यूल है, और दोबारा से अपने F3 बोर्ड को यूएसपी से कनेक्ट कर दें केबल से। उसके बाद वो जो केबल है उसका जो दूसरा एंड है, एक एंड तो आपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड जो है उसके वो मिडल वाले जो बोर्ड के जो मिडल वाली पोर्ट है जिसपे लेबल लगा हुआ है USB ST-Link वहां कनेक्ट करते हैं, और उस बोर्ड की LEDs को देखें तो आपके बोर्ड के ऊपर दो रेड कलर की LED जो उसके साथ ही लगी हुई होंगी उस USB वाले पॉइंट के साथ ही वो जलना शुरू हो जाएंगी। अब आप क्या करें, अब आप ये कमांड इशू करें OpenOCD के। OpenOCD हम ऑलरेडी इस लेक्चर के शुरू में इंस्टॉल कर चुके थे, तो अब आपने क्या करना है कि आपने OpenOCD -F (interface/stlink-v2-1.cfg) /STM32F3X.cfg ये कमांड आपने इशू करनी है। जब आप ये कमांड इशू करेंगे आपका बोर्ड बिल्कुल सही कनेक्ट हुआ हुआ है, आपके जो रूल्स फाइल्स थी वो बिल्कुल सही कॉन्फ़िगर हुई हुई हैं, तो आपके सामने इस तरह की कुछ आउटपुट शो होगी जो कैसे होगा, तो आपके सामने सिल्वर से कलर में शो हो रही है कि ये आपके सामने ना आउटपुट आएगी, ठीक है। जब आपकी जब ये कमांड OpenOCD वाली ये वाली कमांड एंटर करेंगे ना आप OpenOCD-F वाली जो सबसे एंड में लिखी हुई है, तो आपके सामने ना इस तरह की वो आउटपुट आएगी, और वो जो होता है ना आप कोई कमांड इशू करते हैं तो उसकी आउटपुट आती है और फिर कंट्रोल हमारे पास वापस रिटर्न हो जाता है, हम दोबारा से अगली कमांड टाइप कर सकते हैं। ये वाला काम अब नहीं होगा, आपका जो जो टर्मिनल है वो ब्लॉक हो जाएगा, अब आपके सामने ये वाली आउटपुट आ जाएगी और बस वो टर्मिनल वहीं रुका रहेगा, वो आपको कोई कमांड एंटर करने के लिए वापस प्रॉम्प्ट रिटर्न नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपने घबराना नहीं, इसका मतलब है कि आपका OpenOCD बिल्कुल सही काम कर रहा है, वो डिबगर है और उसने अपना कंट्रोल संभाल लिया आपके इस डिवाइस का, ठीक है। तो और साथ ही चूं ही आप ये कमांड चलाएंगे ना OpenOCD वाली, तो वो जो दो रेड कलर की लाइट्स जली थी ना आपके बोर्ड के अंदर वो पोर्ट के बिल्कुल साथ ही, उसमें से एक जो है ना वो रेड ग्रीन होना शुरू हो जाएगी, मतलब एक सेकंड के एक हिस्से के लिए वो रेड कलर में चलेगी और फिर एक सेकंड के अगले हिस्से के लिए वो ग्रीन में चलेगी, फिर रेड फिर ग्रीन, ऐसे वो उन दो में से एक लाइट जो है वो रेड ग्रीन में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, और ये शो कर रहा है कि आपका बोर्ड बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये बिल्कुल रेडी टू रन है फॉर डूइंग रस्ट एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। तो जनाब यहां तक कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल डेमो की तरफ। तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए।